लग गई है। करेक्टर्स में मिल जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। फिर ये जैसे आ जाएगी आपकी फ्रूट सीरीज वाली पेंसिल है, ठीक है। ऐसे इसमें आपको, हाँ जी ये बड़ा साइज है, वो उससे छोटा साइज है और थोड़ा बड़ा। देखो ये 1 रुपीज सेल वाला है, 2 रुपीज सेल वाला है। इसमें कितनी ज्यादा फ्री मिलेंगी पर बड़ी वाली? 4 मतलब 1 रुपीज 60 पैसा का पर पेन में आपको पड़ता है और 3 रुपीज ही सेल मिलता है, ठीक है। तो इससे ऊपर चलते हैं तो ये 45 रुपीज के 20 पीस आ जाते हैं, ठीक है। फिर सेंटेड वाले पेन आ जाएंगे, 47। थोड़े आइटम्स बढ़ जाएंगी और शायद आइटम का साइज भी बढ़ जाएंगे, है ना भैया? हाँ जी बिल्कुल। फिर ये जैसे 259 रुपीज सेल वाली किट आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आइटम्स है, उसमें और ज्यादा आइटम्स होगी। ये 165 रुपीज का पर पैक पड़ता है। अच्छा 100। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। तो गाइस थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे मैं कहाँ पे हूँ। तो गाइस आज मैं हूँ कावे पेन स्टोर पे, जो है सिंधी मार्केट सदर बाजार में। तो गाइस आज की जो आइटम्स आने, सारी स्टेशनरी से रिलेटेड सारी आइटम रहने वाली है। बहुत ज्यादा होलसेल रेट पे आपको सारी आइटम मिलेगी और सारी फैंसीज भी मिलेगी और ब्रांडेड मिलेगी, नॉर्मल स्टेशनरी मिलेगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, तो गाइस बात करते हैं आके ओनर से। हेलो भैया, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया भैया, आप बताइए। बस बढ़िया, मैं बढ़िया भैया। व्यूअर्स भी अच्छे होंगे। तो भैया बताओ, आपकी जो स्टेशनरी की शॉप रहने वाली है कावे पेन स्टोर के नाम से सदर बाजार में, कितनी पुरानी रहने वाली है? 1963 से हमारा काम है। मेरे दादाजी ने शुरू करा था, फिर मेरे फादर ने हैंडल करा था, मैं आ चुका हूँ इस काम में। अच्छा, मतलब पुश्तैनी काम रहने वाला? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो गाइस ये काफी ज्यादा पुराना इनका काम रहने वाला स्टेशनरी का। तो भैया व्यूअर्स को बताओ, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करोगे आप स्टेशनरी आइटम्स की अगर बात करें? जो भी चीजें आपको चाहिए हो सारी चीजें हमारे पास मिल जाती हैं, अपार्ट फ्रॉम पेपर प्रोडक्ट्स। ओके। तो जैसे पेंसिल हो गई, रबर, शॉर्पनर, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, डी कंपास, प्लास्टिक फोल्डर्स, आपके स्टेपलर, स्टेपलर पिन, सेलो टेप, फेविक्विक गम, फेविकॉल, सारी आइटम्स जो भी आपकी स्टेशनरी से रिलेटेड होती है सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो गाइस आपको ऑल टाइप ऑफ स्टेशनरी आइटम मिल जाएगी आपको भैया की शॉप पे। तो भैया वीडियो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो गाइस कोई पार्ट स्किप मत करना और सारी ज्यादा बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे आपको स्टेशनरी की आइटम मिलने वाली है, ठीक है। तो भैया कहाँ से स्टार्ट करोगे? पेंसिलों से शुरू कर देते हैं। अच्छा, जो मेन हमारी सबसे ज्यादा बिक्री वाली इस टाइम पे आइटम्स हैं वो सारी पेंसिलें ही आ जाती हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो जाती है, ये लोकल पेंसिल है, 125 रुपीज का पैकेट पड़ता है ये, 3 रुपीज सेल वाली 100 पेंसिल्स होती है। फिर उसके बाद नटराज की पेंसिल आ जाती है, ये 235 रुपीज का पैकेट पड़ता है, अगेन 3 रुपीज सेल वाली 100 पेंसिल्स होती हैं। ठीक है। सिंगल पेंसिल की कॉस्ट कितनी पड़ती है? ये आपको 2 रुपीज 35 पैसे की पड़ी और 3 रुपीज की सेल की है ये। फिर इसके ऊपर नटराज की जो रेड एंड ब्लैक वाली पेंसिल होती है वो भी हमारे पास मिल जाती है, ठीक है। वो लगभग 2 रुपीज 85 पैसे पर पेंसिल पड़ती है और आपकी 4 रुपीज सेल में चलती है। फिर बाकी आपको डॉम्स वगैरह की आइटम्स चाहिए हो, जैसे ये डॉम्स की नियॉन आर्ट या मिल जाएगी, ये 378 रुपीज का पैकेट होता है। अच्छा, अप्सरा की क्रेगा आ जाती है, 345 रुपीज का पैकेट हो जाता है, ये प्लैटिनम आ जाएगी, अप्सरा प्लैटिनम आ जाएगी, 380 रुपीज का पैकेट है। अब ये 6 रुपीज सेल में आ गई है, 100 पेंसिल्स आती है। इसके सिवा फैंसी आइटमों में भी अब हमने पेंसिल में भी ब्रांड में भी काफी वैरायटी मिल जाती है। अच्छा, ये फैंसी में रहने वाली फिर है। इसके आगे अब स्कूडल का हमारे पास बहुत सारी आइटम्स आ चुकी हैं। अच्छा। जैसे ये स्कूडल की पेंसिल आ जाती है, ये पॉलीकार्बोनेट पेंसिल है, 190 रुपीज का पूरा जार पड़ता है, ये 100 पेंसिल्स होती है, 100 पेंसिल्स होती है, 4 रुपीज सेल वाली, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा मार्जिन रहेगा इसी में। फिर ये वुड में आ जाती है ये वाली पेंसिल, इसी की, ठीक है, स्कूडल में। हाँ जी स्कूडल में, ये 200 पेंसिल्स का पैक होता है और ये 420 रुपीज का पड़ता है, 420 का पड़ता है। फिर इसमें आजकल ये बहुत ज्यादा डिमांड में चल रही है, सिल्वर कलर की पेंसिल होती है। अच्छा, ये सिल्वर पेंसिल मेन इनसे बात ये आ रही है कि इसमें सिक्का टूटता ही नहीं है ऐसे। अच्छा। कभी भी किसी भी तरह का मतलब लोकल से लोकल क्वालिटी का इसके साथ में शॉप में यूज करेंगे या कुछ भी करेंगे, सिक्का टूटेगा नहीं। मतलब बढ़िया क्वालिटी पेंसिल, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी में है। इस तरह की ये फैंसी पेंसिल्स आ रही हैं अब इसकी, ठीक है, स्कूडल में, ठीक है। हाँ जी, दोनों साइड से शॉप कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है ना। ये वाली आपकी अब 690 रुपीज का पूरा बॉक्स पड़ता है, ये 200 पेंसिल्स का होता है, 100 का नहीं, 200 पेंसिल्स का होता है। तो पर पेंसिल अगर आप यहाँ से बेचते होलसेल से, और रिटेल में कितने तक की सेल होती है सिंगल पेंसिल? ये 5 रुपीज सेल वाली है, 5 रुपीज सेल वाली। हाँ जी, 420 वाला बॉक्स जो मैंने दिखाया था वो आपकी 4 रुपीज सेल में आ जाती है। फिर इसमें इसकी 6 रुपीज सेल में कार्टून कैरेक्टर्स वाली इसमें पेंसिल्स आने लग गई है। कैरेक्टर्स में मिल जाएगी? हाँ जी बिल्कुल। फिर ये जैसे आ जाएगी आपकी फ्रूट सीरीज वाली पेंसिल है, ठीक है। इसमें आपको एस्ट्रोनॉट सीरीज वाली मिल जाएगी, इसमें आपको बहुत सारे वो चीजें इसमें वो आ गई हैं। अच्छा, आर्टिकल डिफरेंट मिल जाते हैं, ऐसे तो कोई फ्रूट वाला है, इसमें करेक्टर वाले भी मिल जाएंगे आपको इस तरह से। तो पेंसिल की भैया पूरी फैंसी वैरायटी रहने वाली है ना भैया? हाँ जी, फैंसी भी और नॉर्मल वो चलने वाली वो सारी भी हम ब्रांडेड मिलेगी आपको, ठीक है ना। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इरेजर पर। तो इरेजर में भी हमारे पास बहुत सारी वो हो जाती है। स्टार्टिंग प्राइस यहाँ से आ जाएगा, जैसे ये 57 रुपीज का पूरा जार पड़ता है। अच्छा, इसमें 100 इरेजर्स होती हैं 1 रुपीज सेल वाली और 2 इरेजर्स होती हैं 5 रुपीज सेल वाली। अच्छा,
ठीक है। फिर इसी का 2 रुपीज सेल वाला जार आ जाता है, ये वाला सेम। हाँ जी, ये 118 रुपीज का जार पड़ता है। इसमें 100 इरेजर्स होती है 2 रुपीज सेल वाली, और 4 इरेजर होती है 5 रुपीज सेल वाली। तो ये इसमें जो साइज बड़ा शायद इरेजर का है ना? हाँ जी, ये बड़ा साइज है, वो उससे छोटा साइज है और थोड़ा बड़ा। देखो ये 1 रुपीज सेल वाला है, 2 रुपीज सेल वाला। इसमें कितनी इरेजर फ्री मिलेंगी? पर बड़ी वाली 4 इरेजर 5 रुपीज सेल वाली फ्री मिलती है आपको इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके आगे हम चलते हैं तो इरेजर्स में ही जैसे 3 रुपीज सेल वाली काफी आइटमें आ जाती हैं हमारे पास में। स्कूडल में तीन तो मैं ही आपको दिखा रहा हूँ। ये स्कूडल की आ गई, ये 185 का पड़ता है। डॉम्स की आपकी 205 रुपीज की पड़ती है। अप्सरा की 225 रुपीज की पड़ती है। कितने पीस निकलते हैं इसमें? 100 की पैकिंग है ये सारी। ठीक है, उसके आगे फिर 5 रुपीज सेल में आ जाएगी। इसमें डॉम्स भी मिल जाएगी, स्कूटर भी मिल जाएगी। ये 365 रुपीज का 100 पीस का पैकेट आता है पूरा। ठीक है, बिल्कुल। इसके आगे हम चलते हैं तो शॉर्पनर्स में हमारी वैरायटी यहाँ से शुरू हो जाती है। शॉर्पनर का पूरा बॉक्स मिल जाएगा आपको। हाँ जी, 47 रुपीज के 48 पीसेज होते हैं ये। अच्छा, 2 रुपीज सेल वाले शॉर्पनर होते हैं। डबल का प्रॉफिट होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर उसके बाद 165 रुपीज का पूरा पैकेट मिलता है, ये 100 शॉर्पनर का। ठीक है, जो आपके 3 रुपीज सेल वाले सारे शॉर्पनर्स हैं इसमें। ठीक है, इसमें प्रॉफिट अच्छा रहने वाला है इसमें भी, है ना? बिल्कुल। आगे चलते हैं, इससे आगे देखेंगे तो स्कूडल और डॉम्स के वो उस पर शॉर्पनर आ जाएंगे। इसमें भी शॉर्पनर आ जाएंगे, डॉम्स के भी। ये 3 रुपीज सेल वाले शॉर्पनर है। स्कूडल वाला जो है वो आपका 185 रुपीज का पूरा पैकेट पड़ेगा। डॉम्स वाला आपका 205 रुपीज का पूरा पैकेट पड़ेगा। 100 पीसेज होते हैं। बिल्कुल, सिंगल अगर बात करूं डॉम्स का कितने का सेल होता है? सिंगल 3 रुपीज पर पीस की सेल में चलता है ये वाला। फिर उसके बाद 5 रुपीज सेल में ये बड़े साइज का शॉर्पनर होता है। पेंसिल की नोक पूरी लंबी बनाता है ये, वो वाला आ जाता है इसमें। ये 360 रुपीज के 100 शॉर्पनर्स मिलते हैं। अच्छा, हाँ जी, वही 5 रुपीज सेल वाले। फिर 5 रुपीज सेल वाले ही नटराज में आ जाएंगे। ये 195 रुपीज का जार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, खोल लेते हैं भैया, नहीं भी होगा तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से आपको नटराज का मिल जाएगा। ठीक है, सिंगल क्या कॉस्ट पड़ती है इसकी? ये लगभग 3 रुपीज 25 पैसे का आपको मेरे से पड़ता है। अच्छा। और 5 रुपीज की सेल में चलता है ये। फाइन लग रही है देखने में। बिल्कुल बिल्कुल, नटराज कंपनी का है ये भैया। नटराज का रहने वाला है। ठीक है, तो शॉपनर में भी के बहुत वैरायटी मिल जाती है। बिल्कुल, ठीक है ना। फिर इससे आगे हम चलते हैं तो जैसे क्रेयॉन कलर्स आ जाते हैं। आज की डेट में डिमांड में बहुत ज्यादा हैं ये, क्योंकि मार्केट में माल नहीं है इनका अवेलेबल। क्रेयॉन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो क्रेयॉन में ये लोकल में आ जाएगा कॉमेट का, ये वाला आपका पड़ता है 78 रुपीज का पैकेट। अप्सरा का मतलब कितने 10 बॉक्स होते हैं इसमें। 10 रुपीज का सेल होता है। 10 रुपीज नहीं, ये 15 रुपीज की सेल में है। और ये वाला आपका 10 रुपीज की सेल में, जिसका 84 रुपीज प्राइस है। हाँ जी, ठीक है, ये भी 10 होते हैं। हाँ जी, ठीक है। फिर इससे आगे चलते हैं तो ये ऑयल पेस्टल्स आ जाएंगे स्कूडल के। 12 ऑयल पेस्टल इसके अंदर रहेंगे। हाँ जी, ठीक है ना। ये आपका 28 रुपीज का पर पैक पड़ता है। ठीक है, 10 पैक्स का पैकेट रहेगा इसका भी। ठीक है, हाँ जी, मतलब 280 रुपीज के 10 पैक्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर पेंसिल कलर्स की वैरायटी दिखा रहा हूँ। अच्छा, जैसे ये आ जाएगा 15 रुपीज सेल वाले पेंसिल कलर आ जाएंगे ये। स्कूडल के देखो, इस तरह से 10 कलर पेंसिल्स निकलेंगे इसके अंदर से। ठीक है, हाँ जी, 15 रुपीज की सेल में 78 रुपीज का पूरा पैक पड़ता है 10 बॉक्स का। ऐसे ये डॉम्स का आ जाएगा। ठीक है, ये 84 रुपीज का पैक है, लेकिन ये 12 रुपीज की सेल में है। तो इसी का थोड़ा बड़े साइज में आ जाएगा ये। अच्छा, ये 150 रुपीज का पूरा पैक पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे तो फुल साइज में आ जाएगा। फुल साइज में भी आ जाएगा। डॉम्स का रहने वाला भी, ये भी डॉम्स का रहने वाला है। देखो इस तरह से डॉम्स का रहने वाला है। देखो, डॉम्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है ना, आपका इस तरह से कलर 300 रुपीज का पूरा पैक होता है। 40 रुपीज सेल वाले 10 पैकेट्स होते हैं इसमें। पेंसिल भी शायद इसका साइज बड़ा रहेगा। हाँ जी, ये फुल साइज में आ जाएगा। जो नॉर्मल पेंसिल का साइज होता है उस साइज में आ जाएगा, उस साइज में पेंसिल हो जाएगी। बिल्कुल, फिर इससे आगे हम चलते हैं तो हमारे पास स्केच कलर की भी काफी वैरायटी मिल जाती है। स्केच कलर मिल जाएंगे आपको। स्टार्टिंग कितने से होता है ये? जैसे ये आ जाएगा डॉम्स का, ये 15 रुपीज सेल वाले होते हैं। आपके पास कितने का मिलता है सिंगल? ये 200 रुपीज का पैकेट होता है, मतलब 10 रुपीज का पर पैक पड़ेगा आपका 15 रुपीज की। अच्छा, सेल वाला मतलब प्रॉफिट इसमें भी अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल सर, हर चीज में अच्छा रहने वाला है। जितना ज्यादा से ज्यादा होता है हम कोशिश करके आगे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये भी 15 रुपीज की सेल वाला है, लेकिन इसका बॉक्स जो होगा वो 50 सेट्स का होगा। 56 रुपीज का नहीं, ये आपका पड़ता है 480 रुपीज का। कितने पीस होते हैं उसके अंदर? 50 सेट्स। 56 पीस होते हैं। 50 सेट्स होते हैं। एक सेट में 10 पीस होते हैं। एक सेट में 12 कलर्स होते हैं ना, 12 कलर्स का पैक है। ऐसे 50 पैक्स आएंगे एक बॉक्स के अंदर। हाँ जी,
फिर इसी में ये बड़ा साइज आ जाता है, बड़ा साइज आ जाएगा। हाँ जी, ये 870 रुपीज का पूरा बॉक्स पड़ता है। अगेन 50 सेट्स आते हैं इसमें, ठीक है। इससे भी ज्यादा आगे चलते हैं तो लक्सर के स्केच कलर मिल जाते हैं, इसकी क्वालिटी और ज्यादा फाइन आने वाली है ना, बिल्कुल। और ये 1370 रुपीज का बॉक्स रहता है, अगेन 50 सेट्स रहते हैं, ठीक है। इससे आगे हम चलते हैं तो हमारे पास में वाटर कलर वगैरह में भी वैरायटी होती है। अब ये जैसे आप देख रहे हैं ये 12 कलर का सेट है, अच्छा। ये 20 रुपीज सेल में चलता है और 300 रुपीज बॉक्स आपको पड़ता है। ये कितने पीस आते हैं? 20 सेट्स आते हैं ऐसे। हाँ जी, तो ये एक पैसे अगर कोर्स की बात करूँ तो कितने का पड़ेगा? 15 का आपको पड़ता है और 20 का आप सेल करते हैं, 20 का सेल कर सकते हो। स्कूडल का रहने वाला है, ठीक है। इसी में अगर आपको 10 रुपीज सेल वाला चाहिए हो तो उसमें 6 कलर्स वाला पैक भी आ जाता है, वो भी होता है हमारे पास अवेलेबल। वो 234 रुपीज का बॉक्स पड़ता है और उसमें 30 सेट्स आते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम आगे चलते हैं किट्स पे, जो आजकल राखी आने वाली है गिफ्टिंग ऑप्शंस वगैरह के लिए। सबको ये नई किट्स वगैरह का बहुत अच्छा वो कॉन्सेप्ट वो लग रहा है। तो किट्स में हमारे पास में बहुत सारी ऑप्शन है, ये सारी ऑप्शन है किट्स में। तो ये जैसे स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है, ठीक है। ये 49 रुपीज सेल वाली किट है, ओके। सारी क्या क्या चीजें नीचे सब लिखा हुआ होता है, डिस्क्रिप्शन में देखो क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड रहने वाला है, ठीक है। क्वांटिटी सबकी 1-1 रहेगी, शॉर्पनर स्केल, ठीक है, स्केच पेन, कलर पेंसिल, वैक्स क्रेयॉन्स, डूडल शीट्स, ठीक है, आपको पेपर और पेंसिल मिल जाएगी। तो कितने की कॉस्ट आती है ये? आपका 36 रुपीज पर पैक पड़ता है, 49 की सेल में जाता है, देखो 49 की सेल में चलती है, ठीक है। इसके ऊपर इसी में आगे चलते हैं तो ये 99 रुपीज सेल वाली किट आ जाती है, ठीक है। इसमें ये चीज इंक्लूड रहने वाली है, ठीक है ना। थोड़े आइटम्स बढ़ जाएंगी और शायद आइटम का साइज भी बढ़ जाएंगे, है ना भैया? हाँ जी, बिल्कुल। फिर ये जैसे 259 रुपीज सेल वाली किट आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आइटम्स है, उसमें और ज्यादा आइटम्स होगी। हाँ जी, ये 165 रुपीज का पर पैक पड़ता है, अच्छा। 149 रुपीज सेल वाली आ जाती है किट। ये कितने का पड़ता है पैक? 102 रुपीज का, 102 रुपीज का पड़ता है, 149 का सेल होता है। तो किट में भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है आगे। हाँ जी, इसमें आपको भी 199 रुपीज वाली चाहिए वो भी मिल जाएगी। और एक ये आज की डेट में हमारी बहुत बड़ी सक्सेस जा रही है अभी, ये किट ये 750 रुपीज सेल में आती है, ठीक है, पर पीस। ओके, इसमें कलर भी बहुत सारे जाने वाले हैं आपको, ऑप्शंस आपको बहुत सारी आइटम आइटम सारी इसके अंदर एक ही किट में इंक्लूड रहेगी, और बैग पैकिंग के साथ आएगी, बिल्कुल। ये देखो इस तरह से सारे आइटम्स आने वाली है, सबकी क्वांटिटी 1-1 रहेगी और पूरा एकदम अच्छा गिफ्ट आइटम है। किसी को बर्थडे वगैरह गिफ्ट करना है या फिर कोई गिफ्ट 750 वाली है, आपको 590 रुपीज की पर पीस आपको ये पड़ता है, ठीक है। और प्लस 600 रुपीज की एक होवर बॉल इसमें हम इसके साथ में फ्री देते हैं, पर किट के साथ में एक बॉल ये फ्री आती है। कितने किट पड़ती है? 590 रुपीज का आपको कॉस्ट करती है ये, मेरे से अगर आप परचेज कर रहे हैं तो मैं 590 रुपीज की सेल करता हूँ ये, और इसमें फ्री मिलेगी ये 600 रुपीज MRP वाली बॉल। आई विल जस्ट शो यू, ओके। इसपे MRP 599 रुपीज MRP वाली ये बॉल आपको फ्री दे रहे हैं, तो साथ में बिल्कुल किट के साथ ये बॉल फ्री मिलेगी, ठीक है। मतलब जितनी इसकी बॉल की कॉस्ट है उतने उससे कम तो मैं पैसे ले रहा हूँ, और उसमें ये किट भी साथ में मिल रही है और ये बॉल भी मिल रही है। तो बॉल एक बार ओपन करके दिखा सकते हो? क्या इसका ये एक सेल से ऑपरेट होने वाली बॉल होती है, इसमें लाइट भी जलती है और ये वाइब्रेट करती है। आप हल्के से भी करेंगे बहुत फास्ट एकदम से जाती है, बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं आजकल, ये काफी रनिंग आइटम है, ट्रेंडिंग में काफी ज्यादा। तो इसके आपको फ्री मिलने वाली है, और 590 का ऑप्शन है इसकी, 590 रुपीज की में हम 750 वाली किट प्लस 599 रुपीज में देखो, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे आपके भैया के कॉम्बोज वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पर नंबर भैया को कॉल कर, पेनों पे शुरू करते हैं। पेन में हमारे पास जैसे 3 रुपीज सेल वाले पेनों में शुरू हो जाता है, अच्छा। ये 32 रुपीज का पर बॉक्स पड़ता है और इसमें 20 पेन्स आते हैं। आपके पास सिंगल कॉस्ट बात करो तो कितने की पड़ती है ये? मतलब 1.60 रुपीज का पर पेन में आपको पड़ता है और 3 रुपीज की सेल मिलता है, ठीक है। तो इससे ऊपर चलते हैं तो ये 45 रुपीज के 20 पीस आ जाते हैं, ठीक है। फिर सेंटेड वाले पेन आ जाएंगे 47 रुपीज के 20 पीसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 3 रुपीज वाली रेंज खत्म हो जाती है। इसके बाद 4 रुपीज वाली रेंज हमारी शुरू होती है, ये 54 रुपीज के 20 पेन आते हैं, ठीक है। इससे ऊपर पेन में भी गाइस बहुत सारी वैरायटी आने वाली है, के बाद आपको देख सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं तो 5 रुपीज वाले सेल वाले पेन आ जाते हैं, इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। लेकिन यहाँ से पहले मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा जो हमारी स्टार्टिंग रेंज होती है 5 रुपीज वाले पेन वाली पेन में, पूरी आइटम मिल जाएगी ऐसे, पूरा ये चार्ट मिल जाएगा आपको। और ये 135 रुपीज का पूरा चार्ट पड़ता है जिसमें 60 पेन आते हैं, 5 रुपीज की सेल वाले लिखा हुआ। आप इसमें नया MRP आ चुका है, 8 रुपीज आप देखेंगे तो उसपे लिखा हुआ है, 5 में इजिली सेल कर सकते हैं क्योंकि 2 रुपीज 25 पैसे पर पेन आपको वो पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें जेल वगैरह
में 5 रुपीज की सेल में, बॉल में, हमारे पास में बहुत सारी वेरायटी मिल जाती है, सारे कलर मिलेंगे आपको, ठीक है ना? बिल्कुल, आपको बटरफ्लो चाहिए हो, आपको ये चाहिए हो, आपको इजी ग्रिप चाहिए हो, डॉम्स के पेन चाहिए हो, हाँ जी, ये 140 रुपीज का पैक होता है, 50 पेन का, हाँ जी, 5 रुपीज की सेल में आता है, 5 रुपीज की सेल में चलता है, बिल्कुल ठीक है। जो बटरफ्लो होता है ये हमारा 10 रुपीज की सेल में चलता है, फिर उसके ऊपर 25 रुपीज की सेल में अगर आपको चाहिए हो तो राइटोमीटर मिल जाता है, 60 रुपीज की सेल में V7, 80 रुपीज की सेल में V8, V10, ये वाला 298 रुपीज के 6 पीसेस पड़ते हैं, ये तो मतलब आपका 54 रुपीज के आसपास में पर पेन पड़ता है, कितने की सेल में चलाता है, और ये आपका 60 रुपीज सेल में चलता है, ठीक है, हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे पेनों में वैरायटी है हमारे पास में, आपको इजी क्लिक फ्लेयर के वो जो टिक क्लिक वाले वो पेन चाहिए हो वो मिल जाते हैं, पेन की पूरी वैरायटी रहने वाली है ना, बिल्कुल। तो वैसे पेन वगैरह में भी पूरी वैरायटी रहने, पेन की बात करोगे आपको पूरी स्टेशनरी की सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको भैया के पास, आपको ग्लिटर पेन चाहिए हो वो भी हमारे पास में मिल जाएंगे, हाइलाइटर्स चाहिए हो वो भी मिल जाएंगे, ठीक है, आपको क्ले सेट क्ले वगैरह में भी हमारे पास बहुत वैरायटी होती है, जैसे आप ये दे सकते हैं वो भी मिल जाएंगे, पीछे स्ट्रक्चर जैसे उसको आपको डिजाइन करना है उस अकॉर्डिंग डिजाइन भी कर सकते हो, ठीक है, तो क्ले भी मिल जाएगा, क्ले में भी बहुत सारी जैसे मैं बता रहा था वैरायटी होती है, तो ये दो आ जाती है, अच्छा, ऐसे ही बकेट पैक में आपको क्ले चाहिए हो क्ले भी मिल जाती है हमारे पास में, तो वैरायटी, फिर उसके बाद आपको ग्लू स्टिक वगैरह की रिक्वायरमेंट हो, गम की रिक्वायरमेंट हो, जैसे ग्लू स्टिक का 24 पीस का पैक होता है, कितने का आता है ये, 165 रुपीज का पड़ता है, इसमें 24 पीसेस होते हैं, 15 रुपीज सेल वाले, ठीक है, आपके पास सिंगल पीस की बात करो कितना पड़ता होगा, सिंगल पीस आपको 6 रुपीज 80 पैसे के आसपास में लगभग पड़ जाता है, और 15 रुपीज की सेल में होता है, डबल से ज्यादा अच्छा मतलब मार्जिन आने वाला, बिल्कुल ठीक है। अभी एक चीज बताओ, जैसे किसी ने काम वगैरह स्टार्ट करना स्टेशनरी का तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसे काम करने के लिए? सर देखिए, हर किसी का अपना बजट होता है, हम उसको बिल्कुल पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप हमारे यहाँ पर आके ले रहे हैं तो आप कितने की भी आइटम ले सकते हैं, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, जितने मर्जी का लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने घर बैठे मंगवाना है तो मेरा मिनिमम ऑर्डर जो होता है वो मैं 10,000 रुपए का लेता हूँ। टोकन में जाती है? टोकन मनी नहीं सर, मैं पूरी एडवांस पेमेंट ही लेता हूँ, जब आपकी पेमेंट आ जाती है यहाँ से उसके बाद आपका माल पैक होके यहाँ से निकलता है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम बेचते हैं, आपके घर पे नहीं आता है, आपके शहर तक पहुँच जाता है माल, ट्रांसपोर्ट के एड्रेस से जाके आपने खुद उठाना होता है, ठीक है, तो ये प्रोसीजर वैसे वो रहता है। बाकी वैरायटी हमारे पास में बहुत सारी है, बस पेपर वाली आइटमें छोड़ के आप बाकी कुछ भी मांगिए सब आइटम मिलेगा, ठीक है। तो बेच रहे हो कि आप ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी कराते हो? बिल्कुल, देखिए जो सदर बाजार है हमारा वो इसी चीज के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, यहाँ पे आपको इंडिया में कहीं पे भी माल चाहिए हो यहाँ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हर जगह के लिए मिल जाती है, हाँ जी, ठीक है। तो मिनिमम ऑर्डर का आपको भैया ने बताया 10,000 आने वाला है, और आपको 10,000 पे करके आप यहाँ पे भी कुछ भी आप डिलीवर करवा सकते हो अपने अपने एरिया में, ठीक है। अगर आपको कुछ अगर चाहिए 1,000-2,000 रुपीज का, 500 रुपीज का, वो आप यहाँ पे आके शॉप पे डायरेक्ट विजिट करके ले सकते हो, ठीक है, वो डिलीवर नहीं हो पाएगा, मिनिमम अमाउंट 10,000 आने वाला है। तो भैया जैसे आपकी शॉप पे मेरी वीडियो देखिए कोई बंदा आता है, मतलब व्यूअर्स आता है मेरा या आपका व्यूअर्स आता है, तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन कौन सा पड़ने वाला आपके लिए? नियर बाय मेट्रो स्टेशन यहाँ पे दो है, एक है 30,000 मेट्रो स्टेशन, एक है आर के पुरम मेट्रो स्टेशन, सॉरी आर के आश्रम, आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन, तो ये दोनों ही यहाँ से नियरेस्ट हैं, दोनों ही जगह से आपको रिक्शा लेना पड़ेगा। अगर आप 30,000 पर आ रहे हैं तो आपको तेलीवाड़ा चौक के लिए रिक्शा लेना है, अगर आप आरके आश्रम मार्ग पे आ रहे हैं तो आपने 12 टूटी चौक के लिए रिक्शा लेना है, ठीक है। तो भैया अगर बताओ कि बंदा आता तो अपना बंदा वगैरह लेने के लिए भेजो तो सदर बाजार में अपना यहाँ से शॉप से कोई बंदा वगैरह? सर देखिए कोशिश करते हैं, अगर काम थोड़ा सा भी कम होता है, लड़का फ्री होता है, तो आप जहाँ पे भी होंगे मैं लड़के को बिल्कुल भेज देता हूँ, लोकेशन सेंड कर दो, बिल्कुल, वरना लोकेशन सेंड कर देता हूँ या फिर आपको शॉप नंबर और थोड़ा लोकेशन आपको समझा देता हूँ, आप आराम से आ सकते हैं, लेकिन मेरी शॉप बहुत अंदर है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको ढूंढने में हो सकती है, ठीक है। बाकी आपको एड्रेस वगैरह का डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, बाकी आपको सारी स्टेशन रिलेटेड सारी आइटम्स मिल जाएगी, बाकी जो ट्रेंड के हिसाब से कोई आइटम्स वगैरह अगर नई अपडेट होती है तो भैया की शॉप पे आकर नई वीडियो शूट द्वारा करूंगा, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई शॉप पे, बाय बाय।